हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लंप टेस्ट टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं, है ना। तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं, किसके लिए होते हैं? वर्केबिलिटी के लिए। वर्केबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है किसी कॉन्क्रीट का, ठीक है ना। तो आज हम उसमें से पहला टेस्ट जो था हमारा स्लंप टेस्ट की बात करेंगे, होता क्या है। ठीक है, तो दो टेस्ट और थे उसमें, एक कॉम्पैक्शन फैक्टर मेथड था और दूसरा था हमारा क्या, सॉरी तीसरा था हमारा वीवी टेस्ट, है ना। तो वीवी टेस्ट हमारा सिर्फ हाई वर्केबल के लिए किया जाता है, वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है वीवी टेस्ट। और जो बिल्कुल ही लो, वेरी मतलब जो लो होगा, बहुत कम वर्केबल कंक्रीट होगा, उसके लिए हम कॉम्पैक्शन फैक्टर मेथड यूज करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं स्लंप टेस्ट के बारे में, होता क्या है। तो दोस्तों, स्लंप टेस्ट में एक एपरेटस होता है, स्लंप एपरेटस होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, उसमें तीन लेयर में क्या भर देते हैं, कंक्रीट भर देते हैं। ठीक है, तीन लेयर में मान के चलो, इसमें पहला लेयर ये भर दिया हमने कंक्रीट का, दूसरा लेयर ये भर दिया हमने कंक्रीट का, और तीसरा लेयर ये भर दिया कंक्रीट का। ठीक है, कितने लेयर? तीन लेयर भरे जाते हैं कंक्रीट का। ठीक है, ये एक स्लंप एपरेटस है, इसे ज्यादातर फील्ड टेस्ट में यूज किया जाता है और बहुत इजी टेस्ट है, इजिली किया जा सकता है। ठीक है, और ये ज्यादातर याद रखना फील्ड टेस्ट है। क्या है? फील्ड टेस्ट, जहां पे आप वर्क कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहीं पे इस टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्लंप एपरेटस है, ये इसकी डायमेंशन होती है 10, 20, 30। ठीक है, इसकी हाइट जो होती है ये 30 सेंटीमीटर होती है। जो इसका टॉप विड्थ होता है, टॉप विड्थ क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, और बॉटम विड्थ जो होती है इसकी कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, स्लंप एपरेटस का बॉटम विड्थ है। ठीक है, तो इसमें तीन लेयर में कंक्रीट भरा जाता है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, थ्री लेयर। ठीक है, तो तीन लेयर में इसको कंक्रीट भर के इसमें मिनिमम 25 टाइम्स क्या, कॉम्पैक्ट किया जाता है। इसको क्या किया जाता, कॉम्पैक्ट, मिनिमम 25 टाइम्स। 25 टाइम्स मीन्स 25 बार इसे क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है। कॉम्पैक्ट मीन्स दबाया जाता है 25 बार, या इस पे कॉम्पैक्ट वो मारा जाता है, इम्पैक्ट। ठीक है, और उसके बाद जब कॉम्पैक्ट पूरा हो गया हमारा, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट 25 टाइम्स पूरा हो गया, तो उसके बाद इस स्लंप टेस्ट को क्या किया जाता, वहां से निकाला, सॉरी, स्लंप एपरेटस को वहां से निकाला जाता है ऊपर। ठीक है, जब निकाला जाता है इसको ऊपर, तो जो कंक्रीट फॉल होगा हमारा, ठीक है, हाइट तो हमको पता है स्लंप एपरेटस की हाइट 30 सेंटीमीटर थी, तो इसमें से जो फॉल होगा हमारा, ठीक है, जो फॉल मान के चलो हमारा ये स्लंप एपरेटस था, ठीक है, और हमने निकाला तो उसके बाद कुछ इतना फॉल हो गया। ठीक है, इतना फॉल हो गया, इतना बचा हमारा। ठीक है, ये इतना बचा, इतना फॉल हो गया, लगभग इतना था, है सॉरी, है ना, ये था, है ना, तो इतना फॉल हो गया हमारा, ये इतना इतना बीच का फॉल हो गया ना हमारा, ये इतना नीचे दब गया, कॉन्क्रीट दब गया। तो ये जो फॉल है हमारा, ये एच, ठीक है, ये फॉल, तो स्लंप एपरेटस द्वारा जो हमारा स्लंप हाइट होती है, स्लंप हाइट निकालने के लिए एक क्या है, ये फॉर्मूला है, या एक क्या है, ये फॉर्मूला है, एच इक्वल टू 30 माइनस एच। ठीक है, तो ये वाला एच कौन सा है, ये जो हमारा क्या हुआ, फॉल हुआ, इसमें हाइट में क्या हुआ, फॉल हुआ। ठीक है, तो ये वाला एच है, समझ गए। तो एच इक्वल टू 30 माइनस एच से क्या निकाला जाता है, स्लंप हाइट, क्या निकाला जाता है, स्लंप हाइट। ठीक है, तो कंक्रीट के लिए कुछ स्लंप वैल्यू है किसके लिए, ठीक है, स्लंप वैल्यू कैसे फाइंड होता है, या कैसे मतलब बताया जा सकता है। ठीक है, तो जो स्लंप टेस्ट द्वारा हम करते हैं, तो कैसे हमको पता लगेगा कि वो हाई वर्केबल है या लो वर्केबल है ना, हमको कैसे पता लगेगा कि वो वेरी लो है या क्या मीडियम वर्केबल है, कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो एक चार्ट है जो हमको दिया गया है, ठीक है ना, तो वर्केबिलिटी, ठीक है, ये वर्केबिलिटी टाइप्स है कि वेरी लो वर्केबल, मीडियम वर्केबल, हाई वर्केबल और वेरी हाई वर्केबल। ठीक है, और ये स्लंप वैल्यू है आपकी, क्या है, स्लंप वैल्यू। ठीक है, अगर इस हाइट में, ठीक है, अगर इस एच में अगर 25 से 75 mm का क्या होता है, लॉस होता है, क्या होता है, 25 से 75 mm हाइट लॉस होता है, तो क्या होता है, ये लो वर्केबल, क्या है, लो वर्केबल है। ठीक है, अगर इतने का क्या होता है, हाइट का लॉस होता है 25 mm से 75 mm, ठीक है, तो ये क्या होगा, लो वर्केबल। ठीक है, अगर 50 से 100 mm का लॉस होगा, कितना होगा, 50 से 100 के बीच अगर इसका लॉस होगा, तो क्या होगा, मीडियम वर्केबल होगा। ठीक है, अगर 100 से 150 mm के बीच अगर इसमें हेड लॉस होगा, या इसमें इसके उसमें लॉस होगा, तो क्या होगा, हाइट में लॉस होगा, तो क्या होगा, वो हाई वर्केबल। तो वेरी हाई वर्केबल के लिए यूज हम वाई वी
वीवी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसके लिए वीवी टेस्ट किया जाता है, उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और वेरी लो वर्केबल के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा वर्केबिलिटी, ठीक है, ये चार्ट आपको बाय हार्ट याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, कि अगर 50 से 100 mm तक का अगर हाइट फॉल हो जाए स्लंप में, स्लंप वैल्यू में अगर फॉलिंग 50 से 100 हो जाए तो वह वर्केबल कितना होगा, लो होगा, मीडियम होगा, हाई होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। दोस्तों ये था स्लंप एपरेटस, स्लंप के बारे में, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल स्टडी टेक को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद।